दोस्तों पोको बहुत जल्द ग्लोबली और कुछ दिन बाद शायद इंडिया में भी एक अपना 5G फोन जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है पोको M3 Pro 5G। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उस फोन के बारे में सारे के सारे इन्फॉर्मेशन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजीत, आप देख रहे हो ड्रॉइड एशिया का चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों ये फोन जो है बेसिकली रियलमी 8 5G को टक्कर देने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। 19th of May को ये फोन जो है ग्लोबली लॉन्च होने वाला है। इंडिया का डेट अभी तक ऑफिशियली सामने नहीं आया, लेकिन बहुत जल्द वो भी हम लोगों को पता चल जाएगा। मैं अपने सोशल मीडिया पे उसको डाल दूंगा। आपको ये बता दूं, ये फोन जो है बेसिकली रेडमी के नोट 10 5G जो है उसका ही रीब्रांडिंग जो है यहाँ पे होने वाला है। तो बात करें यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको यहाँ पे 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिलने वाला है पंचोल के साथ, जिसमें आपको LCD IPS डिस्प्ले विद 90Hz मिलने वाला है। वहीं पे बात करें कैमरा की, तो कैमरा में आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा रियर साइड में मिलेगा, जिसमें आपको 48:22 का ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर जो है वो मिल जाएगा। साथ में आपको फ्रंट साइड में एक पंच होल के अंदर 8 MP का कैमरा जो है वो मिलने वाला है सेल्फी के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं जल्दी से बैटरी की, तो 5000mAh का बैटरी आपको इस फोन में दिख जाएगा विद 18W चार्जर। तो यहाँ पे डिसेंट फास्ट चार्जिंग और अच्छा बैटरी बैकअप जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे बाकी चीजों की, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज के लिए वो है 5G। तो यहाँ पे आपको डायमंड सीरीज 700 का जो 5G वाला प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से, वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से प्राइसिंग जो है काफी अग्रेसिव होने वाला है, ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि 5G इंडिया में बहुत ही कम प्राइस में मिलना शुरू हो चुका है। 14,999 या फिर 14,990 में ओप्पो की तरफ से अभी A53S का एक ऑलरेडी फोन लॉन्च हो चुका है, जो आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर मिल जाएगा। तो आपको उसका नीचे लिंक जो मैं दे दूंगा, आप चाहे तो उसको भी फिलहाल चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे बाकी चीज की, तो यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले मिलने वाला, तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है यहाँ पे मिलने का सवाल उठता नहीं है। UFS 2.2 का आपको यहाँ पे स्टोरेज का कैपेसिटी जो है वो मिलने वाला है। LPDDR4X का रैम आपको यहाँ पे मिलेगा। अब वेरियंट की बात करें, तो वेरियंट में आपको यहाँ पे 4/64 का वेरियंट देखने को ना मिले, क्योंकि 5G फोन के लिए 4/64 बहुत ही कम होता है। तो शायद यहाँ पे 4/128 या फिर 6/128 का ही बेस वेरिएंट यहाँ पे हो जाए, इसके ऊपर शायद एक 8GB का वेरिएंट भी हम लोगों को देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे जल्दी से बात करेंगे और एक इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि पोको में अभी तक नहीं आया, वो है पोको का खुद का यूजर इंटरफेस। यहाँ यहाँ पे पोको का लॉन्चर तो हम लोग यूज करते थे, लेकिन पोको का UI शायद बहुत जल्द आने वाला है। जैसे पॉपुलर लीकर अभिषेक यादव ने कुछ दिन पहले ये ट्वीट करके बताया था कि ये बहुत जल्द हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि एक कस्टमाइज MIUI हो सकता है। तो एग्जैक्टली जो होगा वो तो लॉन्च के दिन हम लोगों को पता चल जाएगा, उसके लिए स्टे ट्यून कीजिएगा। और हाँ, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बारे में आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन 19 May को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो आशा करूंगा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पोको M3 Pro के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछ रहा है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।